राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत किसान अक्टूबर माह में चने की खेती करते हैं। इसमें डॉलर और देसी चने की जो प्रजातियां हैं वह मुख्य रूप से बोई जाती है। किसान साथियों, जब खेत पूरा अच्छा भर जाता है तो किसान बहुत खुश होता है, लेकिन कुछ समस्याएं आती हैं जिन पर किसान कुछ भी नहीं कर सकता, केवल वह उनका उपचार कर सकता है। ऐसी ही एक समस्या होती है असमय मौसम में बदलाव की। बहुत घने बादल हो गए, बहुत दिनों तक धूप नहीं निकली, हल्की सी बारिश भी हो गई, इससे चने में कई रोग आ जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इसी विषय पर, जिसका के प्रयोग नवेद शेख, जो बड़वानी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने कई बार किया है और मुझे कहा है कि त्यागी जी इस समय इस पर एक वीडियो डालिए, जिन किसानों को ये समस्या आएगी वो अपना ये जो उपचार हम बता रहे हैं ये करेंगे तो उन्हें फायदा होगा। किसान साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में और मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी। आइए अब बात करते हैं, इस खेत को देखिए कितना अच्छा खेत लग रहा है। और इस खेत में जब मौसम में अचानक बदलाव आया तो आप ध्यान से देखिए कि चने की फसल में किस प्रकार से रोग आ गए। ये रोग आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे भूरे रंग के होते हैं और हरा जो उनका जो भाग होता है वो भूरापन हो जाता है, और इसमें जब फूल आने लगते हैं तो फूल भी गिरने लगते हैं। अगर इस समय सही मात्रा में धूप ना मिले और मौसम में अचानक बदलाव आ जाए तो जो आपके फूल आएंगे वो भी फूल गिरने लगेंगे। हम आपको बताते हैं कि इसमें आप अगर ये उपचार करेंगे तो आपको काफी हद। किसान साथियों, आपने सबने अक्टूबर के माह में ये अपनी फसल लगाई थी, अगर आपकी फसल इस तरह से दिखने लगती तो समझ लीजिए कि इसमें आपका एक रोग का प्रकोप हो गया। इसके लिए आपको तीन स्प्रे करने हैं। वो स्प्रे किस प्रकार करने हैं मैं आपको बता रहा हूं। स्प्रे है, इसमें आपको 5 दवाई करनी है। एक लेना है एनपीके 12:61:0 7.5 ग्राम प्रति लीटर। दूसरा लेना है बोरोन 1 ग्राम प्रति लीटर। एक इंसेक्टिसाइड है नोवा ल्यूरोन 5.25% का आता है ये, इसको लेना है आपको 1 ml प्रति लीटर, चूंकि ये लिक्विड में आता है। और चौथी दवाई है इंडक्स कार्प, ये भी एक इंसेक्टिसाइड है, इसको भी आपको 1 ml प्रति लीटर लेना है। ये जो मैं दवाइयों के नाम बता रहा हूं ये इनके केमिकल नेम है और ये दवाई कई नाम से अलग अलग कंपनियों की आती है, आपको अच्छी कंपनी का चुनाव करना है। और एक आता है क्लोरथेनोनिल 75% का, ये 2 ग्राम प्रति लीटर पाउडर लेना है। आप इन पांचों को जितनी मात्रा में स्प्रे हो सकता है उतने पानी में मिला लें और इसका स्प्रे करें। किसान साथियों, इस स्प्रे के 2 दिन के बाद आपको एक दूसरा स्प्रे भी करना है। वह स्प्रे होगा BSF कंपनी की एक लियोसिन ग्रोथ रेगुलेटर आता है, आपको उसका 1.5 ml प्रति लीटर का स्प्रे करना है। ये क्या काम करेगा कि जो पौधों में अनावश्यक वनस्पतिक वृद्धि होती है उसको कंट्रोल करता है और पौधे को फ्लावरिंग के लिए इंड्यूस करता है कि पौधे में दोबारा से फ्लावरिंग आए। दूसरे स्प्रे के 2 दिन बाद आपको एक तीसरा स्प्रे करना है। इसमें गोदरेज कंपनी की एक PGR नाम से दवाई आती है जो लिक्विड होती है, उसका 1 ml प्रति लीटर का आप स्प्रे करिए। ये क्या काम करेगा कि ये आपके पौधों में दोबारा से फूल लाने की कोशिश करता है और इससे आपके पौधों में दोबारा फ्लावरिंग आ जाएगी, जो फूल गिर गए थे उनके स्थान पर दोबारा फ्लावरिंग आएगी। किसान साथियों, ये जो मैंने दवाइयां बताई हैं इनका प्रयोग केवल वही लोग करेंगे नवंबर के अंत या दिसंबर के शुरू में जिनके खेतों में असमय बारिश होने से या बादल अधिक होने से फूल गिर गए थे, वही इन तीनों का प्रयोग करेंगे तो आपके इस खेत में दोबारा से फूल आएंगे।
किसान साथियों, एक और कमी आज देखी गई है चने में। चने में विल्ट रोग आता है और विल्ट रोग से वो जड़ से सूखना शुरू होता है। तो विल्ट रोग के लिए अगर आपको लगता है, किसी से पूछ लीजिए, अगर आपको लगता है कि इसमें विल्ट रोग है, तो एक दवाई आती है थियोफाइनेट मिथाइल। वो दवाई पाउडर फॉर्म में आती है, उसको लाइए और 2 ग्राम प्रति लीटर उसकी ड्रेंचिंग करिए, यानी उसकी जड़ों में देखिए। बहुत किसान अपने चने में ड्रिप से सिंचाई करते हैं, तो आप ड्रिप से इसको दे सकते हैं। और अगर ये थियोफाइनेट मिथाइल न मिले तो इसकी जगह पर आपको 2 दवाइयों का इस्तेमाल करना है। वो है एक बैनगार्ड, जो आपको 2 ग्राम प्रति लीटर लेनी है, और उसके साथ बाइफेंथ्रीन 2 ml प्रति लीटर। इन दोनों दवाइयों को मिलाकर उसकी ड्रेंचिंग करिए, तो काफी हद तक आपकी विल्ट रोग की समस्या खत्म हो जाएगी। किसान साथियों, जो मैंने दवाई बताई है, कुछ भाइयों को हो सकता है उसमें कोई समस्या आए, इसलिए इस पर एक लेख हमारी वेबसाइट amazingkisan.com पर मैंने डाल दिया है। वहां से आप डाउनलोड करिए और उस पर्चे में लिखी दवाई के अनुसार दवाई लाइए और इसका प्रयोग करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको फायदा होगा। इसी के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।